स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चों देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स को और हम मजीद क्या नाम देते हैं, सैकेराइड्स का नाम भी देते हैं। सैकेराइड वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड सैकेरॉन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? शुगर्स। और शुगर्स का लफ्ज आमतौर पर स्वीट्स के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। इन जनरल बात की जाती है, ये इन जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक आप जाओगे तो फिर ऑब्वियसली जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के पढ़ोगे, उसमें क्या होगा कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, हर एक की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इन जनरल आपको मालूम हो कि इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। इसी तरह से फिर इनको देखें कि इसको जब हमने इनिशियली डिफाइन करते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड्स, या फिर दूसरा नाम क्या दिया जाता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का नाम भी दिया जाता है। वजह क्या होती है इसमें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा जाता है? उसकी वजह ये होती है कि इसमें कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर, इसलिए इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का नाम दिया जाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं। इसमें आपको मालूम हो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इसके मेजर एलिमेंट्स हैं। और इसमें आप गौर कीजिएगा कि रेशो जो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो बिल्कुल किसकी तरह होती है? जस्ट लाइक दैट ऑफ व्हाट? वाटर, यानी 2:1 इसमें पाई जाती है। जैसे वाटर में देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या है? 2:1। अब ये जो हम डेफिनेशन बता रहे हैं कि जिसमें हाइड्रेटेड कार्बन या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की बात की जाती है, ये मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स पे तो अप्लाई होती है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिस पर ये डेफिनेशन या आप हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या इसको हम कहते हैं कि जो रेशियो जिसमें सेम नज़र आ रही है, ये अप्लाई नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अगर एग्ज़ाम्पल देना चाहें तो आपको मालूम हो कि एक एग्ज़ाम्पल आप पढ़ते हो डी ऑक्सी राइबोज का फार्मूला क्या है? आप देखें सी पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, H10, और यहाँ पे क्या आएगा? O4। आप देखिए O5 आना चाहिए लेकिन O4 है, क्योंकि डी ऑक्सी का मतलब क्या है? 1 ऑक्सीजन इसमें क्या होती है? लेस होती है। तो लिहाजा आप ये इसमें जो हम कहते हैं ना हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में 2:1 इसमें नहीं बनेगी, तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट पर ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती। इसी तरह कुछ और कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें C2H4O2। अब ये क्या है? ये इसमें आप गौर कीजिए इसकी क्या किस चीज़ का फार्मूला है? बेसिकली ये एसिटिक एसिड है। इस तरह एक और एग्जांपल हम इसमें पुट करते हैं C3H6O3। ये क्या है? बेसिकली लैक्टिक एसिड। ये आपके सामने क्या है? लैक्टिक एसिड। इसमें भी आप गौर कीजिए, ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन, ये क्या है? ऑक्सीजन, 2:1। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, 2:1। अब आप गौर कीजिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट, दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, लेकिन इसमें रेशियो आप गौर कर सकते हैं कि इसमें रेशियो जो है वो क्या है? वही वाटर वाली रेशियो, यानी 2:1 पाई जाती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा वैलिड डेफिनेशन नहीं है। तो ज़्यादा इसके लिए हम कहेंगे फिर वैलिड डेफिनेशन क्या है वो आपके सामने देख लीजिए कि इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का नाम दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स। रीज़न क्या होती है कि यहाँ पे सिर्फ हम कह रहे हैं पॉली हाइड्रोक्सी, पहले इसका मीनिंग्स देख लीजिए। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप के लिए आ जाता है, एल्डिहाइड क्या आपके पास? फंक्शनल ग्रुप है। पॉली मैनी हाइड्रोक्सी OH ग्रुप और कीटोन क्या आपके पास? फंक्शनल ग्रुप है। ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रो कीटोन इसलिए कहते हैं कि इसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें जो उसका मॉलिक्यूल होगा या उसका सिंगल मॉलिक्यूल कोई भी आप ले लें, मोनोमर ले लें, उसमें आप क्या देखते हैं कि तमाम कार्बन एटम के साथ क्या होगा? OH ग्रुप होगा सिवाय एक कार्बन के। वो एक कार्बन जो या तो पार्ट किसका होगा? एल्डिहाइड का पार्ट होगा या फिर किसका? कीटोन का पार्ट होगा। इसलिए पॉली मीन मैनी हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, यानी इसमें मिनिमम आप जब आगे चक्कर इसमें मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज वगैरह, तो आप देखेंगे जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में क्या आ जाता है आपके पास?
ट्रायोज आ जाता है। अब ट्रायोज में तीन कार्बन है, एक कार्बन तो पार्ट किसका एल्डिहाइड ग्रुप का है फॉर एग्जाम्पल, या फिर कीटोन ग्रुप का पार्ट है, लेकिन बाकी दो कार्बन के साथ क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, टेट्रोज होगा। तो इसमें एक कार्बन किसका पार्ट होगा, एल्डिहाइड या कीटोन का, बाकी तीन के साथ क्या होंगे, ओएच ग्रुप होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल कार्बन आइटम्स हैविंग ओएच ग्रुप एक्सेप्ट वन विच मे बी पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ आप जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से मुराद क्या है, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स, उसमें क्या होगा, आपको हाइड्रोलिसिस नजर आएगी, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आपको मालूम हो कि ब्रेकडाउन होता है, वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है, लेकिन यहाँ पर तो इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही। यहाँ पे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे डाइसैकेराइड्स से स्टार्ट करें पॉलीसैकेराइड तक चले जाए, उनमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस भी होगी, उससे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आपको सब यूनिट्स मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर मिलते हैं, सब यूनिट्स मिलते हैं। तो इस तरह ये आपको जो वैलिड डेफिनेशन मिलती है वो आपके सामने है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स। तो ये आपके सामने आप कार्बोहाइड्रेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें देखिए कि हमने बताना होगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होता है। याद रखिएगा, सोर्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसका आंसर देने में, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाता है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स जैसे फॉर एग्जांपल दिया, सीरियल्स में वीट राइस कॉर्न वगैरह की एग्जांपल दी गई, या ट्यूबर की एग्जांपल दी, पोटैटो ट्यूबर की एग्जांपल दी हुई है, या फिर इसमें से आपको ये मालूम होना चाहिए जब आप कहते हैं ना सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनिशियली कार्बोहाइड्रेट आता कहाँ से है, तो याद रखिएगा इसके लिए सोर्स क्या होता है इसका, ग्रीन प्लांट्स इसका सोर्स है। आपको मालूम है ग्रीन प्लांट्स में प्रोसेस कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिजल्ट के तौर पर आपको मालूम है क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जब बन जाते हैं, अब इसी कार्बोहाइड्रेट से आप क्या देखते हैं कि जो दूसरे कंपाउंड्स हैं, अदर कंपाउंड्स यानी अदर कंपाउंड से मुराद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जैसे फैट्स की बात करोगे या प्रोटीन्स की बात करोगे, अल्टीमेटली जो अदर कंपाउंड्स होंगे दे आर डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ये किससे डिराइव होंगे, कार्बोहाइड्रेट से डिराइव होंगे। तो ये आपको पता चला सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स याद रखिए कि इसकी बेस किस पे होती है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट्स पे डिपेंड करता है। उस बेस पर हम इसकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसको तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनो मीन वन, सैकेराइड क्या है इसका यूनिट, यानी इसमें ये क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं अभी कार्बोहाइड्रेट्स के, क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड का नाम दिया जाता है, इसमें एक यूनिट शामिल होता है। ओलिगो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फ्यू, यानी फ्यू का मतलब आप आगे चलकर देखोगे 2 to 10 यूनिट्स, मोनोसैकेराइड यूनिट्स। पॉली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैनी का मतलब यानी 10 से ऊपर आप चले जाए तो ये क्या होगा, पॉलीसैकेराइड, ये हो गए इसके यूनिट्स। तो सिस्टमेटिकली हमने इनको वन बाई वन करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे। मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, आपको मालूम हो इसको पहले भी हम शुरू में बता चुके हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और ये क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। डिपेंड करता है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर उसमें कीटोन्स ग्रुप है। वो शुगर्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो उनको आप टेक्निकली क्या कहोगे, एल्डो शुगर्स का नाम दोगे, और वो शुगर्स जिसमें आप देखोगे कीटोन ग्रुप है उनको आप
कीटो शुगर्स का नाम दोगे, एल्डो शुगर और कीटो शुगर का नाम दोगे, यानी एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें है वो एल्डो शुगर और जिसमें कीटोन ग्रुप है आप उसको कीटो शुगर का नाम। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए यहाँ पे हम शो करते हैं ये आपके सामने, और कीजिएगा इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको कौन सा नजर आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप आपको कौन सा नजर आ रहा है, ये आपको एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है। तो ये कौन सी शुगर होगी, एल्डो शुगर होगी। इसका नाम हम फॉर एग्जांपल नाम भी देते हैं इसको, क्या कहेंगे, ये बेसिकली ग्लाइसर एल्डिहाइड, ये क्या आपके सामने ग्लाइसर एल्डिहाइड है, ये थ्री कार्बन शुगर कहलाती है। इसी तरह से आप ये कौन सी होगी बेसिकली, इसको हम क्या कहेंगे, एल्डो शुगर का नाम दोगे, ये एल्डो शुगर कहलाएंगे। इसी तरह से देखिए आप गौर कीजिए इसमें, ये भी ट्रायोज है बेसिकली, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है, ये क्या आपको नजर आएगा, व्हाट इज इट, कीटोन ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये क्या है इसका कीटोन ग्रुप है। तो इसलिए इसको क्या कहोगे, कीटो शुगर का नाम दोगे। नाम क्या है इसका, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, बेसिकली कौन सी शुगर है ये, इसको कीटो शुगर का नाम दोगे। तो आप इसमें ये भी गौर कर सकते हैं कि ऑल कार्बन एटम, और टोटल कितने कार्बन है, 1, 2, 3, तीन कार्बन एटम है इसमें, ऑल कार्बन एटम मीन ये नहीं, इसमें रिमेनिंग ये टू की बात करेंगे, हैविंग ओएच ग्रुप एक्सेप्ट वन कार्बन विच इज़ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और विच इज़ पार्ट ऑफ कीटोन ग्रुप। इसके साथ भी क्या है ओएच ग्रुप, इसके साथ भी क्या है ओएच ग्रुप, एक्सेप्ट वन कार्बन विच में भी पार्ट ऑफ कीटोन ग्रुप विच में भी पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये आपके सामने क्या एग्जाम्पल्स आ जाती है किसकी, एल्डो शुगर और कीटो शुगर की। इसके बाद देखेंगे जो हम ये मोनोसेकेराइड्स की बात कर रहे हैं, ये इसकी जो क्लासिफिकेशन आएगी, इसकी क्लासिफिकेशन में हमने सिस्टमेटिकली चलना होगा। सिस्टमेटिकली आपने देखना है कि ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, CH2 होल N, व्हाट इज N, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आगे चलकर हम बताएंगे ये कितने होंगे, फ्रॉम 3 to 7 कार्बन एटम, मिनिमम 3, मैक्सिमम इसमें कितने होंगे, 7 कार्बन एटम होंगे। इसी तरह देखो कि इसमें जो बाकी इसके फीचर्स हैं मोनोसेकेराइड्स के वो भी आपको क्लियर होने चाहिए कि दे आर स्वीट इन टेस्ट, यानी ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसी तरह से क्या होते हैं, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, आसानी से वाटर में क्या होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, और इसके बाद अहम चीज़ क्या होती है, कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इंटू सिंपल शुगर्स, मजीद ये सिंपल शुगर्स में जो है फर्दर इनका ब्रेक डाउन नहीं होता, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो लिहाजा ये इसके आपके पास मेजर फीचर आ जाते हैं किस चीज़ के, आपके सामने मोनोसेकेराइड्स के। तो इस तरह ये मोनोसेकेराइड के बारे में आपको इन जनरल पता चलता है। अब हम इसके आएंगे कि सिर्फ इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है विच इज़ बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितने होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं 7 कार्बन एटम होते हैं। तो अब हमें क्या इसमें देखना है कि इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने कोट करनी होगी जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है, उनको आपने देखना होगा कि कैटेगराइजेशन करेंगे हम किस तरह से कि इसमें एल्डो शुगर कौन सी हैं और कीटो शुगर क्यों हैं कौन सी हैं, और इसी तरह से जो मेजर एग्जांपल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हमने इसमें अब देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड हमने बताया है कि ये बेस किस पे करता है, नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स पे बेस करता है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, 3, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 7 होते हैं। जनरल फार्मूला हमने बताया आपको, किसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CH2O होल N, N इज व्हाट नंबर ऑफ कार्बन एटम, मिनिमम 3, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो इसके बाद आप देखिए कि बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से नंबर वन क्या आएगा, 3 कार्बन के हिसाब से ट्रायोस, 3 कार्बन, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह से टेट्रोस है, टेट्रोस का क्या फार्मूला बनेगा, देखिए 4 कार्बन है, C4H8O4। इसी तरह से पेंटोस 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में क्या होगा, C5H10O5। इसी तरह से हेक्सोस का क्या बनेगा, 6 कार्बन है, C6H12O6। और इसी तरह से हेप्टोज होगा, C7H14O7। ये आपके पास इनके फार्मूलाज आ जाएंगे। अब आप देखें कि इसमें हमें मालूम हो कि ये जो ट्रायोसिस हैं ये एल्डो फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कीटोस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। भी हमें मालूम होना चाहिए कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अलग-अलग दिया जाए। एग्जाम्पल्स के तौर पर MCQs में ये बड़ी अहम चीज़ होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्लाइसरलडिहाइड है, इसके बारे में पूछा जाता है एल्डो शुगर है या फिर कीटोस शुगर है, और नाम पर गौर कीजिए एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड आ जाता है। तो एल्डिहाइड आने का मतलब इसमें क्या, ये कौन सी शुगर होगी, एल्डोज शुगर होगी। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये क्या है, कीटोस शुगर है। अभी हमने पहले इसकी एग्जाम्पल कोट की थी स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसी तरह से फिर देखिए टेट्रोस, ये बेसिकली क्या है, इनके बारे में पहले देख लीजिए कि ये है क्या, ये ग्लाइसरलडिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है। दीज आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें, जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, उसकी प्रिपरेटरी फेज होती है, तो उसमें आप क्या देखते हैं उसके एंड पे जाके कि 6 कार्बन कंपाउंड फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू क्या बनता है, ग्लाइसरलडिहाइड और उसके साथ साथ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप शामिल होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, फॉस्फोग्लाइसरलडिहाइड, और उसको क्या कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का नाम दिया जाता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं किस में, रेस्पिरेशन में। इसी तरह से आप केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन पढ़ते हो, ग्लाइसरलडिहाइड का लफ्ज कहाँ पे आता है, वहाँ पे भी आता है। आपको मालूम हो कि ये 3 कार्बन शुगर किस तरह से एट दी एंड फिल्टर आउट होगी एट दी एंड ऑफ दी केल्विन साइकिल आगे चलकर। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसीलिए कहा जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस क्या याद रखना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद मजीद स्पेसिफाई, रेस्पिरेशन में है तो कहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर। अगर हम इसकी फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में किस स्टेप पर ये प्रोडक्ट हमें हासिल हो रही है, तो ये हो गया। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपको टेट्रोस। टेट्रोस में को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल किसकी दे रहे, रेथ्रोस की एग्जाम्पल दे रहे, रेथ्रोस जो है ये, और इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल कौन सी होती है, रेथ्रोलोज एंड रेथ्रोलोज। अब यहाँ पे रेथ्रोज क्या है, ये बेसिकली एल्डो शुगर है, जबकि रेथ्रोलोज क्या होगा, यहाँ पे कीटोस शुगर आ जाएगा इस तरह से। अब ये क्या है, ये बेसिकली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन किस में, फोटोसिंथेटिक मटीरियल, वो मटीरियल जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उनमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर आ जाती है। तो रेयरली फाउंड इन नेचर, हम जनरली कहते हैं रेयरली। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस दिया गया, हेक्सोस दिया, इनमें से रेयरली फाउंड कौन सी, तो आपको मालूम होना चाहिए टेट्रोस आर रेयरली फाउंड इन नेचर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए पेंटोस शुगर आ जाता है, 5 कार्बन शुगर, इसमें राइबोस, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोलोज की एग्जांपल दी जाती है। अब इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें राइबोस बेसिक कंपोनेंट किसका है, राइबोस, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का। डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का क्या है ये कंपोनेंट। बाकी रही बात राइबोलोज की, तो राइबोलोज क्या है, ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किस में आ जाता है, फोटोसिंथेसिस में आ जाता है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट का वर्ड हम उसमें यूज़ करते हैं, किस में, ये आप फोटोसिंथेसिस में। इसी तरह से फिर इसमें आपके पास नेक्स्ट आ जाता है हेक्सोज। मोस्ट कॉमनली फाउंड शुगर्स कौन सी होती हैं इसमें, दे आर हेक्सोसेस, हेक्सोसेस होते हैं जिसमें आप एग्जांपल किसकी देते हो, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड
फ्रुक्टोज की एग्जाम्पल दोगे। ये तीनों बेसिकली इनका जनरल फार्मूला क्या होता है इसका, C6H12O6 होता है, लेकिन इनके जो के स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ हम जाते हैं तो वो उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट डिफरेंट होती है आइटम्स की, इसलिए ये एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ये आपके सामने क्या आ जाएगा, हेक्सोज आ जाते हैं। अब इसमें आपको मालूम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज की बात करें, आपको मालूम है कि ये रेस्पिरेटरी फ्यूल कहलाता है, ये रेस्पिरेटरी फ्यूल है आपके पास। ये इसी तरह से आप ग्लैक्टोज की एग्जांपल लें तो ये बेसिकली कंपोनेंट किसका है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज किसको कहते हैं, मिल्क शुगर को कहते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको ये पूछा जा सकता है कि ये कंपोनेंट किसका है, नंबर टू किस मिल्क शुगर जैसे है, मिल्क शुगर का में पाया जाता है, तो मिल्क शुगर के कंपोनेंट के हवाले से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसकी है, रेस्पिरेशन की है। तो इस तरह से ये आपको पता चलता है कि ये हेक्सोज जो है ये डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, और ये हम जब एग्जाम्पल इसको रेफरेंस कोट करते हैं कि ये आपको कहाँ पर मिलते हैं, उनका रेफरेंस भी आपको याद रखना है। इसी तरह से हेप्टोज की एग्जाम्पल देंगे, हेप्टोज जो है ये इसको ये ग्लूकोहेप्टोज है और इस तरह से सेडोहेप्टोज है। ये ग्लूकोहेप्टोज बेसिकली क्या है, एल्डोज है, ये क्या है, कीटोज है। यहाँ पे भी आपको बताना होगा कि इनमें भी हमने एग्जाम्पल कोड करनी होगी, आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, विच वन ऑफ देम इज कीटोज शुगर। तो ये राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज के एल्डोज है, और राइबोलोज इसमें क्या है, राइबोलोज इसमें बेसिकली कीटोज शुगर है। इसी तरह से देखिए ग्लूकोज ग्लैक्टोज यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, एल्डोज शुगर की एग्जाम्पल है, और फ्रुक्टोज इसमें क्या आ जाएगा, कीटोज शुगर आ जाएगा। ग्लूकोहेप्टोज एल्डोज शुगर, सेडोहेप्टोज कीटोज शुगर, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये क्या है कि हेप्टोज जो है ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस है। वो कैसे होते हैं, वो फिर आपको जब आप केल्विन साइकिल पढ़ोगे, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट स्टेप होगा किस चीज़ का, केल्विन साइकिल का, जिसमें आप बताओगे कि जो फनल ऑफ होंगे थ्री मॉलिक्यूल्स G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, वो फिर किससे गुजरेंगे, इंटरकन्वर्टेबल रिएक्शन से गुजरेंगे, जिसमें आपको 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन डिफरेंट कंपाउंड मिलते हैं इंटरमीडिएट। तो लिहाजा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में आपको हेप्टोज भी 7 कार्बन कंपाउंड भी इंटरमीडिएट के तौर पर मिलता है, तो इसलिए इसको भी आप किस में बताओगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह ये आपको क्या पता चला कि क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड की क्या है, इसके डिफरेंट कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ से कितने ग्रुप्स बनते हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, उनमें एल्डिहाइड ग्रुप कौन से हैं, उसमें कीटोन ग्रुप कौन से हैं। आप देखें कि ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं, अगर ये याद रखिएगा, ये ख़ास तौर पर अगर ये ड्राई कंडीशन में हो, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, तो ये ओपन चेन होती है इसकी, क्या होती है इसकी, ओपन चेन होती है। जब ये डिजॉल्व फॉर्म में अगर होंगे तो डिजॉल्व फॉर्म में ये क्या बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, ड्राई फॉर्म में होंगे तो ये ओपन चेन की सूरत में होती है, डिजॉल्व फॉर्म में हो तो फिर ये क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। यहाँ पे हमने टू टाइप्स ऑफ रिंग को मेनली फॉलो करना है, रिंग स्ट्रक्चर्स को, एक होता है फ्यूरॉन और दूसरा होता है पायरॉन। अब फ्यूरॉन क्या है, फ्यूरॉन बेसिकली क्या होता है, ये हम कहते हैं फाइव कॉर्नर रिंग को फ्यूरॉन कहेंगे। इसी तरह पायरॉन क्या होगा, ये 6 कॉर्नर रिंग कहलाता है। वो डिपेंड करता है आप किसकी एग्जांपल दे रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ से एग्जांपल कोट करते हैं रायबोज की, हम एग्जांपल यहाँ से पिक करते हैं, रायबोज के आपके पास पेंटोज है तो इसका रिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, राइबो फ्यूरेनोज, इसको आप राइबो फ्यूरेनोज का, आप गौर कीजिए, राइबोज और बीच में क्या आएगा, फ्यूरॉन क्या है इसका, ये 5 कॉर्नर रिंग है। इसी तरह से पायरान के लिए अगर आप देखें तो ये 6 कॉर्नर रिंग है। इसमें एग्जांपल हम किसकी कोड कर रहे हैं, यहाँ पर ग्लूकोज की कोड करेंगे, क्या होगा, ग्लूको पायरेनोज, ये ग्लूको पायरेनोज क्या होगा, 6 कॉर्नर रिंग ऑफ ग्लूकोज कहलाएगा। तो इस तरह और भी आपको एग्जांपल जो आपके सिलेबस में गिवन है उनको खास तौर पर आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ अहम होती है
कि जो भी रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो रिंग स्ट्रक्चर में आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। कि क्रॉस क्वेश्चनिंग इस तरह से होती है, जैसे मिसाल के तौर पर राइबोफ्यूरेनोज है, ये 5 कार्बन रिंग है, तो विद इन अ रिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो वो आपसे ऑप्शन पूछी जाती हैं। आपको मालूम है एक कॉर्नर पे क्या होगा, ऑक्सीजन एटम होगा, रिमेनिंग 4 कॉर्नर्स पे क्या होंगे, कार्बन एटम हो। तो आपको मालूम हो कि राइबोफ्यूरेनोज जो स्ट्रक्चर है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में कितने हैं और आउटसाइड द रिंग कितने हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह ग्लूकोपाइरेनोज है, अब ग्लूकोपाइरेनोज में भी आपको ये क्लियर हो कि ग्लूकोपाइरेनोज में ये 6 कॉर्नर रिंग है, तो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। एक तो याद रखिएगा, एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन होगा, रिमेनिंग 5 कॉर्नर्स पर इसमें क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग कितने हैं, किसमें, ग्लूकोपाइरेनोज में। इसी तरह से और भी इसमें आपके सामने जब स्ट्रक्चरल डिटेल्स आएंगी तो आपने इनके स्ट्रक्चर्स को कीनली ऑब्जर्व करना होगा कि इनके रिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, रिंग के बाहर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है मोनोसेकेराइड्स के हवाले से, तो लिहाजा ये कुछ आपको डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप आगे चलते हो तो मज़ीद, क्योंकि हमने UHS सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, UHS सिलेबस में कुछ प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर दी गई हैं मोनोसेकेराइड्स के हवाले से, ख़ास तौर पर किसकी, हेक्सोज। हेक्सोज में हम किसका रेफरेंस देते हैं, ग्लूकोज का रेफरेंस देते हैं, इसके बारे में आपको क्लियर हो। इसके बाद इसी तरह से गैलेक्टोज है, जब आप ओलिगोसेकेराइड्स में जाओगे गैलेक्टोज की बात होगी, फ्रुक्टोज की बात आएगी। इसमें आपको ये तो हमने बता दिया है कि दीज आर द आइसोमर्स, आइसोमर्स जो है इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हमने देखना है। अल्फा ग्लूकोज कौन सा होता है, बीटा ग्लूकोज कौन सा होता है, अल्फा गैलेक्टोज और इस तरह से बीटा गैलेक्टोज क्या होते हैं, ये एडिशनल आपको चीज़ें पता होनी चाहिए UHS सिलेबस में कि इनका ये अल्फा और बीटा का, और ये फिर ये जो मोनोमर्स होते हैं किस किस्म के पॉलीमर्स में अप्लाई होते हैं, वो भी यही रेफरेंस आपने यूज़ करना होगा, किसके लिए, पॉलीसेकेराइड या अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले देखिए कि इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले डिस्कस करेंगे किसकी, ये हेक्सोज के हवाले से ग्लूकोज की। अमाउंट ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी जो कि यूज़ होती है क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, इसका आइडिया आपको कैसे होता है कि इसकी हम एग्ज़ाम्पल कोट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड है ये 7.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी आपको ये फिगर चाहिए होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह से ये जो ग्लूकोज में ये एनर्जी स्टोर हो गई है, ये फिर अवेलेबल होगी, दिस एनर्जी विल बी अवेलेबल, किसके लिए अवेलेबल होगी, हमारी बॉडी के लिए अवेलेबल होगी, जब हमारी बॉडी में ये क्या होगी कि ऑक्सीडाइज होगा, ये जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होगा ग्लूकोज, तो फिर ये एनर्जी जो इसमें स्टोर होगी दैट विल बी अवेलेबल, एक ये फिर कन्वर्ट होती है, आपको मालूम है किस में कन्वर्ट होती है, इन द करेंसी ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड व्हाट, ATP की फॉर्म में ये कन्वर्ट होगी। तो लिहाजा ये भी फिगर आपको याद रखना है कि 10 ग्राम बनाने के लिए कितनी किलो कैलोरी चाहिए इसको। अब इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, वैल्यू इसको जैसे मिसाल के तौर पर 100 ग्राम भी आ सकता है और 1 ग्राम भी आ सकता है, उसके हिसाब से आपने इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 1 ग्राम, तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए एनर्जी उतनी कम चाहिए होगी, 71.76 क्या होगी आपको ये किलो कैलोरी सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं MCQs में, इसका भी आपको ख्याल करना है। इसी तरह ग्लूकोज के बारे में हमें बताना है कि ये फ्री फॉर्म में भी पाया जाता है या फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में जो है ये फिर आप डिफरेंट फ्रूट्स का रेफरेंस देते हो। डिफरेंट फ्रूट्स में जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप फिग्स की एग्ज़ाम्पल दोगे, इसी तरह से आप इसमें ग्रेप्स की एग्जांपल दे सकते हो, इसी तरह से आप इसमें जो और इसमें जो डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं उनमें ये कॉमनली पाई जाती है फ्री स्टेट में। फिक्स किसको आप क्या कहते हो, अंजीर का नाम देते हो, इसी तरह ग्रेप्स अंगूर में ये ख़ास तौर पर फ्री स्टेट में पाई जाती है। इसी तरह इसकी जो अमाउंट हमारे ब्लड में होती है
ब्लड के बारे में इसकी अमाउंट आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये ब्लड में हमारे तकरीबन 0.08% इन ब्लड ये अमाउंट है किस चीज़ की ग्लूकोज की इन आवर ब्लड। इसी तरह से ये कुछ कंबाइंड फॉर्म में भी पाई जाती हैं, कंबाइंड फॉर्म ये तो हो गया ना फ्री स्टेट आ गया, कंबाइंड फॉर्म में भी आपको मिलती है। कंबाइंड फॉर्म में जैसे मिसाल के तौर पर ओलिगोसैकेराइड्स में आप एग्जांपल किसकी देते हो, डाई सैकेराइड्स की एग्जांपल दोगे, डाई सैकेराइड्स में आप किसकी एग्जांपल देते हो, माल्टोज वगैरह आ जाता है। इसी तरह से ग्लैक्टोज आ जाता है, इसमें भी ग्लूकोज होता है, माल्टोज में भी क्या होता है ग्लूकोज होता है, इसी तरह सक्रोज पढ़ते हो उसमें भी ग्लूकोज होता है। फिर इसी तरह से पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल देते हो आप, पॉली सैकेराइड्स इसमें भी आप देखते हैं कि कई पॉलीसैकेराइड ऐसे हैं जिसके मोनोमर्स क्या होते हैं ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप स्टार्च की एग्जांपल ले लें, इसी तरह से आप ग्लाइकोजन की एग्जांपल ले लें, इसी तरह से आप सेलुलोज की एग्जांपल ले लें, इन सब में क्या होता है कि इसके मोनोमर्स क्या होते हैं दे आर ग्लूकोज यूनिट्स, सैकेराइड यूनिट्स क्या होते हैं इसमें ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। तो लिहाजा ये भी इंफॉर्मेशन टाइप चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस किस्म ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं किस चीज़ की ग्लूकोज की। जी स्टूडेंट्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में हमने मोनोसैकेराइड के बाद नेक्स्ट ग्रुप देखना है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में आपको मालूम हो कि दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये किसके डेरिवेटिव्स हैं, मोनोसैकेराइड्स के। यानी मोनोसैकेराइड्स किस तरह से डिराइव होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि दे आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं इनकी क्या होगी कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि दो जैसे मिसाल के तौर पर दो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा, तो उससे क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ओलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। या इसके अपोजिट चले जाएं कि ऑन हाइड्रोलिसिस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव राइज 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अब जहाँ तक इनका टेस्ट का ताल्लुक है तो ये क्या होते हैं स्वीट इन टेस्ट होते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट बट लेस देन मोनोसैकेराइड्स। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है ये सॉल्युबल होते हैं इन वाटर बट लेस देन मोनोसैकेराइड्स, किसके मुकाबले में कम होते हैं ये मोनोसैकेराइड के मुकाबले में कम सॉल्युबल होते हैं। और जहाँ तक इसमें बॉन्डिंग का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली ये सिंपल शुगर तो नहीं है, ये अब आप देख सकते हैं यानी मोनोसैकेराइड्स तो नहीं है, ये क्या है ओलिगोसैकेराइड्स है। इसमें कम से कम क्या होगा, ये एक क्या होगा इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के दरमियान कौन से बॉन्डिंग होगी, इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। अब इसको फर्दर आप क्लासिफाई करते हो, डिपेंड करता है कि इसमें कितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं उसके हिसाब से आप उसको क्लासिफाई करते हो, 2 हो तो क्या कहलाएगा डाइसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट हो तो ट्राइसैकेराइड, 4 हो तो टेट्रासैकेराइड, और इसको ये कहाँ तक ले जाएंगे आप 10 तक ले जाएंगे, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन आपके सामने आ जाती है। इसकी मेजर एग्जांपल्स अगर आप स्टडी करते हो तो मेजर एग्जांपल में सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज आ जाते हैं, ये इसकी मेजर एग्जांपल्स हैं। इनको ही हमने थोड़ा सा एलेबरेट करना है और इसी से ही हमने देखना होगा कि एक तो मोनोसैकेराइड्स और जाहिर है मोनोसैकेराइड के मिलने से क्या बनते हैं डाइसैकेराइड बनते हैं, तो उनमें आपस में लिंक्स क्या होते हैं और उसमें से किस किस्म के एमसीक्यूज आपको एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ये सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज जो है इसको कॉमनली आप क्या कहते हो केन शुगर का नाम भी देते हो क्योंकि मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन शुगर केन, इस वजह से इसको आप केन शुगर का नाम भी देते हैं। आप देखें कि ये जो शुगर है इसको कॉमनली हम
अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं एज ए स्वीटनर, इसको स्वीटनर के तौर पर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें टेक्निकली बताओ कि जो शुगर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, सुक्रोज का नाम देते हैं। इसी तरह से प्लांट्स में अगर हम चाहते हैं तो प्लांट्स में आपको मालूम है कि प्रिपेयर्ड फूड जो थी प्लांट्स की, वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम वेसल्स के जरिए, तो लिहाजा वो भी हमें मालूम है उसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज होती है। ये इसमें प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का एक कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट में जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब रही बात ये बनते किससे हैं, इसमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं, पहला ग्लूकोज है और दूसरा इसमें क्या है, फ्रुक्टोज है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन कौन से ग्लूकोज और कौन से फ्रुक्टोज हैं, याद रखिएगा अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज इसमें शामिल होते हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज। तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी वो किस किस्म की बॉन्डिंग बनेगी, हम बताएंगे कि इसमें अल्फा 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाएगा। 1-2 का मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, इसका कार्बन नंबर 1 होगा, और फ्रुक्टोज का क्या होगा, कार्बन नंबर 2 होगा। इनके दरमियान जो लिंकेज बनेगा दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी OH ग्रुप किसका होगा, ग्लूकोज का होगा, इधर से OH ग्रुप किसका होगा, फ्रुक्टोज का होगा। इसके दरमियान कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के रिजल्ट के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर 4, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा। इसको आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम देंगे, वो 1-2, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 आएगा, दैट इज 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा। कार्बन नंबर 1 किसका होगा, ग्लूकोज का, कार्बन नंबर 2 किसका होगा, बीटा फ्रुक्टोज का होगा। बीटा फ्रुक्टोज भी बिल्कुल उसी तरह से जिसमें आप, जिस तरह स्ट्रक्चरली आप जाते हो, यानी इसकी जब आप इसमें स्ट्रक्चरली डिटेल में जाते हो, यानी ये कार्बन है, यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ OH होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, इसका CH2OH, ओके। तो ये क्या कहलाएगा, इसका OH ऊपर है तो ये क्या होगा, ये हम इसको कहेंगे बीटा फ्रुक्टोज। और अगर इसी तरह से ये कार्बन यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे OH ग्रुप होगा तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये फिर क्या कहलाएगा, इसका अल्फा ग्लूको, अल्फा फ्रुक्टोज कहलाएगा, इसको आप अल्फा फ्रुक्टोज का नाम दोगे। तो ये कौन सा है, बीटा, ये कौन सा है, अल्फा। इसी तरह से ग्लूकोज के लिए भी आप बताते हो कि ग्लूकोज में भी क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज कौन सा होता है, अल्फा ग्लूकोज जिसमें OH ग्रुप कहाँ पे होगा, नीचे होगा, H ऊपर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा ग्लूकोज। इस तरह OH ऊपर होगा और H नीचे होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बीटा ग्लूकोज का नाम देंगे। तो लिहाजा ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए क्या है, आ जाएगा इसमें माल्टोज, इसको कॉमनली क्या कहते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं। इसको ख़ास तौर पर मेल्टिंग प्रोसेस में, चूँकि ये प्रोड्यूस होता है बार्ले स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है माइलेज की मदद से, तो पहले किस में कन्वर्ट होता है, इनटू माल्टोज, फिर माल्टोज किस में कन्वर्ट होता है, माल्टेज एंजाइम की मदद से इनटू द ग्लूकोज। तो इस तरह ये इसको माल्ट शुगर का नाम भी दिया जाता है। इंटरमीडिएट है स्टार्च डाइजेशन, जैसे स्टार्च पहले किस में कन्वर्ट होगी, माइलेज एंजाइम की मदद से इनटू माल्टोज, और माल्टेज एंजाइम की मदद से किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज इनटू द ग्लूकोज, इसलिए इसको हम माल्ट शुगर का नाम भी देते हैं। इसी तरह से जब इसका ब्रेकडाउन होता है, यानी हाइड्रोलिसिस होता है, डाइसेक्राइड है, तो दो इसमें जो क्या है कि अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स हमें हासिल होते हैं, यानी किससे मिलता है, 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट के मिलने से बनता है। और इसमें लिंकेज क्या होगा, अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा। यानी 1 यहाँ पर क्या है, ये इसका ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, यानी ये इसका कार्बन नंबर 1 अल्फा है, अल्फा है तो हाइड्रोजन ऊपर होगा, OH नीचे होगा, इस तरह से अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है तो यहाँ पे क्या होगा कि फोर्थ कार्बन होगा, यहाँ पे ये फोर्थ कार्बन होगा इसका, और यहाँ पे क्या होगा इसका H, और यहाँ पे क्या होगा इसका OH होगा। तो इस तरह इनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, तो 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 4, इनके दरमियान जो लिंकेज बनता है दैट इज कॉल्ड 1-4 अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, माल्टोज। नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्या, लैक्टोज आ जाता है। ये बेसिकली इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, मिल्क शुगर का नाम भी दिया जाता है, मेजर कंपोनेंट है
मैमल्स में मिल्क में जो मेजर कॉम्पोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट लैक्टोज, तो इसलिए इसको मिल्क शुगर का नाम भी दिया जाता है। अब इसमें देखिए कि ये जो इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है डाइसेकेराइड है, तो इसमें आपको क्या मिलता है, बीटा ग्लैक्टोज और बीटा आपको ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं, बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं। तो लिंकेज क्या कहलाएगा, 1,4 ग्लूकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा। तो यानी 1 का मतलब क्या है, तो इसमें OH ग्रुप किसका पार्टिसिपेट कर रहा है फर्स्ट कार्बन पे, दैट इज ऑफ ग्लैक्टोज, और फोर्थ कार्बन पे किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। तो इनके दरमियान जो लिंकेज कहलाएगा इसको आप क्या कहोगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाते हैं। तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल आ जाती है, लैक्टोज की एग्जांपल आ जाती है। अब इसमें एक और अहम चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जितने भी हमने एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मोनोसेकेराइड्स में हमारे पास मेजर एग्जांपल कौन कौन सी आ जाती हैं, मोनोसेकेराइड्स में हम कॉमनली कौन कौन सी एग्जाम्पल कोट करते हैं, इसमें हम ग्लूकोज ग्लैक्टोज और इसी तरह से फ्रुक्टोज, ये हमारे पास मोनोसेकेराइड है। इसी तरह आप डाई सेकेराइड्स आ जाते हैं, डाई सेकेराइड्स में आप एग्जांपल कौन कौन सी कोट करते हो, इसमें आप अभी जो एग्जांपल यहाँ पे हमने शो की है सक्रोज, फिर उसके बाद माल्टोज, फिर उसके बाद आ जाता है ये क्या आ जाएगा, लैक्टोज। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके पास किसकी हैं, डाइसेकेराइड्स की हैं। इनमें आपसे एक और अहम चीज़ पूछी जाती है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के मुताबिक, ये एडिशनल आपकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनडायरेक्टली आपको पता हो कि रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, वो शुगर जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे और ख़ुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ऐसी शुगर को आप क्या कहते हो, रिड्यूसिंग शुगर का नाम देते हो। द शुगर विच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ बिकम ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, और जो ऐसा ना कर सके तो उसे क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का नाम देते हैं। तो लिहाजा याद रखिएगा कि इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर सिर्फ एक एग्जांपल आपको मिलती है इन सब में से, यानी सुक्रोज, ये आपके पास क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी ग्लूकोज ग्लैक्टोज फ्रुक्टोज माल्ट। स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स में अब नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जो कि मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म बाई कंडेंसेशन ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड, इसको हम पॉलीसेकेराइड का नाम देंगे। तो इसी तरह से उसके ऑपोजिट चले जाएं, ऑन हाइड्रोलिसिस जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो इससे हमें क्या मिलेंगे, बड़ी तादाद में मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलते हैं, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलते हैं, इसे आप क्या कहोगे, दे आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। आमतौर पर जनरल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अगर आप जाएंगे तो जनरली क्या होते हैं या यूजली क्या होते हैं, दे आर ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन आपको इसमें अनब्रांच एग्जाम्पल्स भी मिलती हैं। लेकिन इन जनरल अगर पूछा जाता है कि यूजुअली क्या होंगे, तो यूजुअली आप क्या कहोगे कि क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इसी तरह टेस्ट के लिहाज से क्या है, दे आर टेस्टलेस, जैसे आपने बताया था कि मोनोसेकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, और उसके बाद ओलिगोसेकेराइड लेस स्वीट इन टेस्ट एज़ कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड, और अब ये पॉलीसेकेराइड्स क्या है आपके सामने, टेस्टलेस है। इसी तरह से इसके जो मोनोमर्स होते हैं यानी मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं, इनके दरमियान जो लिंकेज पाया जाता है वो भी कौन सा होता है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। डिपेंड करता है कि इसमें कौन से मोनोमर्स हैं, कौन से इसके ग्लूकोज यूनिट्स उसमें या मोनोसेकेराइड यूनिट उसमें शामिल है, अल्फा या फिर बीटा, उसके हिसाब से फिर आप उसको नाम देते हो। अब वही बात हमने बताई कि जब ये इनका ब्रेकडाउन हो यानी हाइड्रोलिसिस हो, तो इससे बड़ी तादाद में क्या मिलेंगे आपको, मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलते हैं। तो अब ओवरऑल चूँकि ये लार्ज मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। अब सॉल्युबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये हम इसके लिए जनरल टर्म जो इस्तेमाल करेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम या बामुश्किल आप कह सकते हो कि वाटर में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। इन जनरल जो होते हैं ये क्या होंगे,
इनसॉल्युबल होंगे, इन जनरल इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन चूंकि ये कुछ इसमें हमें एग्जांपल मिलती हैं जो कि ख़ास कंडीशंस में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। एग्जांपल आपको डिफरेंट मिलती हैं पॉलीसेकेराइड्स की, जिसमें आप स्टार्च की एग्जांपल देते हो, इसमें आप ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, एगर, डेक्सटीन वगैरह, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की, पॉलीसेकेराइड्स की, ये कॉमन एग्जांपल्स कहलाती हैं। अब हमने इनको क्या करना है कि इनको सिस्टमेटिकली देखना है, फिर उसका हमने कंपैरिजन करना होता है, क्योंकि जब एमसीक्यूज बिल्ट अप होते हैं तो ये डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में इसकी प्रॉपर्टीज़ को इंटरमिक्स किया जाता है, तो लिहाजा उसके लिए आपको कंपैरिजन के साथ चलना होता है। जैसे एग्जांपल के सामने आपके सामने सबसे पहले क्या आ जाता है, स्टार्च, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, तीन हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होगी, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। सबसे पहले स्टार्च के बारे में देखिए कि फाउंड इन किस में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में आपको मिलेंगे, ग्रेन्स में, सीड्स में और ट्यूबर, ट्यूबर से मुराद क्या होता है, ये जैसे एग्जांपल के तौर पर पोटैटो ट्यूबर की एग्जांपल आप दे सकते हो। फिर इनको हम क्या कहते हैं, ये होमो पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। होमो का मतलब क्या होता है, सेम पॉलीसेकेराइड, यानी ऐसे पॉलीसेकेराइड जो एक ही तरह के मोनोमर से मिलकर बने, मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने, वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने, इनको आप होमो पॉलीसेकेराइड्स का नाम दोगे। यहाँ पर आपके साथ जो इसमें आपने एग्जांपल आपको कोट करनी क्या है, उसमें बताना है कि जैसे स्टार्च है तो स्टार्च में जो मोनोसेकेराइड यूनिट है ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, और ग्लूकोज में भी कौन सा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद देखें कि जब हम कहते हैं इसका ब्रेकडाउन होता है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है, तो स्टार्च पहले किस में कन्वर्ट होती है, इनटू माल्टोज, यानी इसमें एमाइलेज एंजाइम का रेफरेंस देते हैं, फिर माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा, इनटू ग्लूकोज, एंजाइम कौन सा होगा, माल्टेज एंजाइम होगा, कौन से ग्लूकोज यूनिट आपको मिलेंगे, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे। इसी तरह से जब इसका आप आयोडीन टेस्ट करते हो तो इससे कौन सा कलर आपको मिलता है, ब्लू कलर ये देता है। तो ये आयोडीन टेस्ट आप कॉमनली लोअर क्लासेस में भी परफॉर्म कर चुके हैं, आपको आइडिया होगा। अब इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं, इसको आप टू टाइप्स, टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। सबसे पहले एमाइलोज के बारे में देखिए कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होंगे तो ये साथ साथ क्या होते हैं, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। आप ये देख सकते हैं ये हॉट वाटर में सॉल्युबल है, तो कंडीशन क्या आ गई, इसमें वाटर का हॉट होना ज़रूरी है, तो उसमें ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। आप जहाँ तक इसमें, क्योंकि ये अनब्रांच्ड है, स्ट्रेट चेन की सूरत में होते हैं, तो लिहाजा इसमें जो लिंकेज पाया जाता है, आप ये देख सकते हैं, 1α 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये चीज़ हमने पहले किस में डिस्कस की है, माल्टोज में डिस्कस की, तो कॉमन फीचर आ जाएगा ये इसका, α 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन एमाइलोज स्टार्च। एंड उधर से दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने कौन सी आ रही है, माल्टोज की एग्जाम्पल आ रही है, तो आप उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। सेकेंड जो इसका आ जाता है, एमाइलोपेक्टिन आ जाता है। एमाइलोपेक्टिन के बारे में आपको मालूम है ये ब्रांच्ड है, और ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। अब जहाँ तक इसकी ब्रांचेस का ताल्लुक है, तो सबसे पहले देखिए, तो एक तो स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन से इसकी क्या निकलती है, ब्रांच निकलती है, तो स्ट्रेट चेन जब होगी तो स्ट्रेट चेन में 1,4 वही कौन सा इसमें लिंकेज पाया जाएगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाएगा इसमें, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। लेकिन जहाँ पर ब्रांच होगी वहाँ पे क्या होगा, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, वहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। और इसके बारे में आपको बताया जाए, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनसॉल्युबल इन हॉट एज वेल एज कोल्ड वाटर, हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में ये क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं एमाइलोपेक्टिन। इसका कंपैरिजन फिर आगे चलकर हम किसके साथ करते हैं, ग्लाइकोजन के साथ भी करते हैं, लेकिन पहले आप ग्लाइकोजन की प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए कि ग्लाइकोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये भी होमोपोलीसेकेराइड्स है, यानी एक ही तरह के इसमें क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं, इसलिए इसको आप होमोपोलीसेकेराइड्स का नाम दोगे। इसी तरह ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किस में, एनिमल्स में, तो लिहाजा ग्लाइकोजन को एक और भी नाम दिया जाता है, इसको एनिमल स्टार्च का नाम भी दिया जाता है। तो ये भी आपको मालूम हो, ये भी की पॉइंट है, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एनिमल स्टार्च क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एनिमल स्टार्च, तो उसमें ऑप्शन दी जाती है, एक ऑप्शन उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन भी होता है। ये बॉडी में हमारे कहाँ पे स्टोर होती है, लिवर एंड मसल सेल्स, इनमें ही क्या है, स्टोर होता है ग्लाइकोजन। इसकी प्रॉपर्टीज में भी आपको मालूम हो, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लिंकेज का जहाँ तक ताल्लुक है,
स्ट्रेट चेन में आपको पहले बताया गया कि इसमें कौन सा लिंकेज होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, जबकि ब्रांच पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो उसमें कौन सा लिंकेज होगा, 1,6 लिंकेज होगा, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें पाया जाएगा एट ब्रांच पॉइंट। और इसी तरह से जब इसका आप आयोडीन टेस्ट करते हो तो ये कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। अब इसमें एमाइलोपेक्टिन, ये इसकी प्रॉपर्टीज आप देखें गौर से, तो इसमें कौन से ग्लूकोज यूनिट हैं, इसमें भी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स पाए जाते हैं, इसमें भी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे आप देखिए कि इसमें भी क्या है, इसमें भी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स पाए जाते हैं, किसमें, ग्लाइकोजन में, ये भी ब्रांच्ड है और ये भी ब्रांच्ड है, तो फिर फ़र्क क्या है दोनों में, तो आप बताओगे ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड देन अमाइलोपेक्टिन, ये इसका मेजर डिफरेंस होता है, ब्रांच्ड ये भी है लेकिन ब्रांच ग्लाइकोजन भी है, तो ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच्ड एज कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन, ये इसमें इसका मेजर डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसके बाद आप देखिए इसमें ग्रुप आ जाता है सेलुलोज, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर कौन सा होता है, सेलुलोज होता है, सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट नेचर में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलोज का नाम देते हैं, यानी आप इसके बारे में जानते हैं, ये कॉमनली आप इसको बताते हो कि प्लांट सेल्स को जब आप स्टडी करते हो प्लांट सेल की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज ही होता है। इसी तरह से ये इनसॉल्युबल तो है लेकिन क्या है, हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, और जब इनका ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो इससे जो यूनिट मिलते हैं, मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलते हैं, वो कौन से होते हैं, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं, और इसी वजह से आप एक ही तरह की यूनिट की वजह से इसको आप होमोपॉलीसेकेराइड्स का नाम देते हैं। बाकी रही बात इसमें जहाँ तक इनके ये सेलुलोज की डाइजेशन का ताल्लुक है, तो ह्यूमन बींग में ये जो सेलुलोज है वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ व्हाट, सेलुलेज एंजाइम, लेकिन जहाँ तक हर्बीवोर एनिमल्स का ताल्लुक है इनमें ये डाइजेस्ट हो सकता है। इनमें डाइजेस्ट क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है कि इनकी गट में क्या होते हैं, ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, इसमें ख़ास तौर पर आप प्रेफर दोगे बैक्टीरिया, इसी तरह से यीस्ट और इसी तरह से कुछ प्रोटोजोआज होते हैं जो कि इसकी गट में इंटेस्टाइन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सेलुलेज एंजाइम, और सेलुलेज एंजाइम की मदद से इसको ये डाइजेस्ट करते हैं, किस चीज़ को, सेलुलोज को। तो इस तरह ये आपको क्लियर हो कि सेलुलोज जो है इसको ह्यूमन बींग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये हर्बीवोर एनिमल्स का प्रॉब्लम, कि अगर डाइजेस्ट करते हैं तो उसकी रीज़न भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो लिहाजा इस तरह ये आपके सामने ये तीन मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। एक और चौथी कैटेगरी भी सम टाइम पूछी जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर काइटीन है। काइटीन बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइंस जो होते हैं उनका ये डेरिवेटिव होते हैं, क्या चीज़, काइटीन। काइटीन इसके बारे में गैर बात है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आप इसको डिफरेंट रेफरेंसेस से पढ़ते हो, काइनेटिस काइटिनस एक्सोस्केलेटन, फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, काइटीन। ये वो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आप बता सकते हो कि इसमें नाइट्रोजन भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो ये इसका एक यूनिक फीचर आ जाता है। पहले हमने बताया कि ये डेरिवेटिव्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, डेरिवेटिव्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, इनके ये डेरिवेटिव्स होते हैं। इनमें बकायदा जब आप इसका बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हो, बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हो, तो इसमें ये इस तरह से ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर 2 होगा। कार्बन नंबर 2 के साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके सामने जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या नाम देते हो, ये बेसिकली होता है इसका एन एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। तो इस वजह से इसको आप क्या कहते हो, डेरिवेटिव्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन काइटीन, और ये किस में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई पाए जाते हैं। तो इस तरह ये मेजर एग्जांपल्स है किस चीज़ की, पॉलीसेकेराइड्स की। तो बच्चों यहाँ तक था कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे अगले टॉपिक की तरफ, और वो फिर हमें किसको डिस्कस करना होगा, प्रोटीन्स को।